वैकल्पिक प्रश्न हिंदी में शम के एमसीक्यू कोड 504। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, कहा था कि इस बार जो 504 एंड 505 की प्रिपरेशन है वो थोड़ा अलग तरह से कराई जाएगी। तो अब आपके लिए जो एमसीक्यू लेके आएंगे वो आपके स्वयं से लेके आएंगे, स्वयं में जो मॉक टेस्ट चलता है उसका एमसीक्यू हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन, प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना, बच्चों से संबंधित सूचना संग्रहण, या प्रदर्शन का आकलन का रिकॉर्ड करते हुए सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें दिया हुआ है कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका प्रदर्शन का आकलन का रिकॉर्ड करते हुए सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करना ही शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के अधिगम हेतु किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना सर्वथा उपयुक्त है? यदि गणित को सिखाया जा रहा है तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है? अधिगम प्राप्तियां, जैसे अभ्यर्थनात्मक समझ एवं उनके अनुपयोग, सोचने का समर्थ, गणितीय तर्क शक्ति, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, यानी अधिगम प्राप्तियाँ और सोचने का सामर्थ्य और गणितीय तर्क शक्ति, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है जब बच्चा गणित को सीखता है, गणित अर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में उच्च कोटि के कौशल जांच के आकलन में रिकॉर्ड की कौन सी बीमा सर्वदा उपयुक्त है? यानी जो विद्यार्थियों में उच्च कोटि के कौशल जांच की जाती है उसके आकलन में रिकॉर्ड की कौन सी जो विधि होती है सर्वथा उपयुक्त की जाती है? अर्धनात्मक प्रेश, गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संप्रेषण, अभिवृत्त एवं रुझान। अर्धनात्मक क्षेत्र, गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संप्रेषण, अभिवृत्त एवं रुझान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अभिवृत्त एवं रुझान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी के पृष्ठ पोषण में कौन से कदम उपयुक्त नहीं हैं? अधिगमकर्ता के प्रति ईमानदारी, अधिगमकर्ता के खराब प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं करना, और पृष्ठ पोषण समूह में उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर होगा बी, अधिगमकर्ता के खराब, यानी अधिगमकर्ता के खराब प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं करना पृष्ठ पोषण के लिए सही कदम नहीं होगा। पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक देना। का, खा, गा, खा या गा। तो राइट आंसर होगा आपका का, खा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में गणितीय अंश प्रेषण आकलन, बच्चों में गणितीय अंश प्रेषण आकलन हेतु कौन उपयुक्त उपकरण नहीं है? अब उपयुक्त उपकरण नहीं है ये बताना है। समूह में संवाद का अवलोकन, पाठ्य पुस्तक के विश्लेषण का संप्रेषण, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका समूह में संवाद का जो अवलोकन होता है वो बच्चे में गणितीय अंश प्रेषण आकलन हेतु उपयुक्त उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के आकलन से संबंधित सूचनाओं को रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? यानी विद्यार्थियों के सबल एवं निर्मल पक्षों का विश्लेषण करना होता है, या अभिभावकों एवं शिक्षकों को बच्चों के अधिगम वृद्धि को सूचित करना होता है? तो आपका का सही है, या फिर खा ऑप्शन सही है, या फिर का खा ऑप्शन सही है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका का और खा, यानी बच्चों के आकलन से संबंधित सूचनाओं को रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि विद्यार्थियों के सबल एवं निर्बल पक्षों का विश्लेषण करना होता है और अभिभावकों एवं शिक्षकों को बच्चों के अधिगम वृद्धि को सूचित करना होता है, इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के प्रगति पत्र में अधिगम के आकलन में सबसे अप्रेषित आय निम्न में से कौन है? अब आपको बताना है कि बच्चों के प्रगति पत्र में अधिगम के आकलन में सबसे अप्रेषित आय निम्न में से कौन है?
अवधारणा, गणित के प्रति रुझान, समझ या पाठ सहभागी सामग्री। तो राइट आंसर होगा गणित के प्रति रुझान। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आपके ईद और रमज़ान भी जा चुके हैं, तो अब आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत ही कम है। सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अब आपके लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन डेली जो है वीडियो अपलोड करेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।